घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। खुद को समझता क्या? कैसा बिजनेस कर सकती है पुष्पा? क्यों 2022 में रिलीज नहीं हो सकती पुष्पा 2? कितने दिनों में पूरी होगी पुष्पा 2 की शूटिंग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोस में। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज ने हिंदी बाजार में करीब 80 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। पुष्पा फिलहाल OTT पर रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी है। पुष्पा के गाने और डायलॉग सब कुछ काफी हिट रहा। पुष्पा को हिंदी वर्जन में रिलीज करने के पीछे गोल्ड माइंस टेलीफिल्म्स के डायरेक्टर मनीष शाह का हाथ है, जिन्होंने इस फिल्म के राइट खरीदे और फिर हिंदी में रिलीज की। साउथ की इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में काफी पसंद किया गया और अब पूरा देश पुष्पा 2 के आने का इंतजार कर रहा है। हाल में ही मनीष शाह ने एक इंटरव्यू में पुष्पा 2 की रिलीज डेट से लेकर की शूटिंग शेड्यूल को लेकर जवाब दिए। मनीष शाह ने कहा कि पुष्पा द राइज 17 दिसंबर 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। पहले दिन अल्लू अर्जुन की इस फिल्म ने सिर्फ 3.33 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था, लेकिन क्रिसमस के बाद इस फिल्म ने हिंदी बॉक्स ऑफिस पर तेज रफ्तार पकड़ी और आज ये फिल्म 90 करोड़ का आंकड़ा छूने में कामयाब हुई है। इस इंटरव्यू में मनीष शाह ने यह भी बताया कि पुष्पा 2 द रूल की शूटिंग इस साल मार्च या अप्रैल में शुरू हो सकती है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि पुष्पा 2 इसी साल फ्लोर पर आ जाएगी और जल्द ही इस फिल्म का काम पूरा करके मेकर्स इसके दूसरे पार्ट को रिलीज करेंगे। मनीष शाह ने पुष्पा 2 की रिलीज को लेकर पूरा हिसाब किताब समझाया कि आखिर इस फिल्म को रिलीज होने में कब और कितना समय लगेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि पुष्पा 2 इस साल रिलीज नहीं हो पाएगी। इसका कारण है कि लंबी फिल्म की शूटिंग में समय भी लगता है। उन्होंने बताया कि पुष्पा 2 की शूटिंग करीब 250 दिन तक चलेगी। पुष्पा के पहले भाग की शूटिंग 210 दिन तक चली थी, इसलिए शूटिंग पर ही इसकी रिलीज डेट का तय होता है। अगर बीच में कोरोना के चलते लॉकडाउन लग गया या कोई समस्या आई तो फिल्म की रिलीज में और भी समय लग सकता है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 तक पुष्पा 2 रिलीज हो। साथ ही मनीष शाह ने कहा कि फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने पुष्पा को खूब सराहा है। सभी को भरोसा है कि इसका दूसरा पार्ट भी सुपर हिट होगा। मुझे लगता है कि पुष्पा 2 इतिहास रचेगी, ये ब्लॉकबस्टर साबित होगी। ये कितना रिकॉर्ड तोड़ेगी ये तो मैं नहीं जानता। मनीष शाह से पूछा गया कि क्या प्रभास की बाहुबली द कंक्लूजन का रिकॉर्ड पुष्पा 2 तोड़ पाएगी। इस पर मनीष शाह ने कहा कि बाहुबली के पहले पार्ट ने 120 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पुष्पा ने 93 या 94 करोड़ रुपए कमाए। दोनों के बीच महज 30% का अंतर है। अगर हम सब ने पुष्पा 2 को बनाने में ज्यादा मेहनत कर दी तो पुष्पा 2 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी। क्या आप मनीष शाह के इस ताने बाने से सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।